चली गांव के चौपाल में फिर से स्वागत बाटे। और जैसे कि रउआ जान तानी कि मल युद्ध के शुरुआत हो चुकल बाटे सिवान संसदीय क्षेत्र के बिनवल रसूलपुर हटे और बिंदवल हटे और हम मुस्लिम बहुल क्षेत्र में बनी। एबरी का राय बा मुसलमान लोग के, एबरी मुसलमान किकरा साथे जाता, मोदी जी के साथे जाता कि साहबुद्दीन जौन एगो सिवान के कड़ी रहल बानी, सिवान के एगो नाम रहल बानी, वहाँ के एगो नाम चलत रहे, तूती बोलत रहे, वहाँ के बाहुबली कहीं या जनता के सेवक कहीं या बहुत लोग अपना अपना तरीका से बया करला, वहाँ के पत्नी हिना साहब भी मैदान जंग में बानी और एनडीए की तरफ से विजयलक्ष्मी बानी, चचा मौजूद बानी, सरपंच है। चचा एबरी का विचार बाटे? एबरी विचार ये बा कि एबरी हिना साहब के जितावे के बा। अच्छा। सिवान की विकास खातिर। अच्छा। हाँ, सिवान बहुत पीछे जा रहा बा अपन, तो हमने के सब की ये विचार बा कि हिंदू मुस्लिम सबके विचार बा कि हिना साहब की लेवल जाओ और सिवान में विकास दोबारा देखल जाओ। अच्छा, मुसलमान नहीं खाली हिना साहब के साथ बा कि अदरवाइज और भी कास्ट साथ बट ना? और भी कास्ट साथ बावे, हिंदू भाई भी साथ बड़न हिना साहब के, मुस्लिम भी बड़न साथ, तो ये दोनों हिंदू मुस्लिम मिल के हिना साहब के लिए चाहते रहन और सिवान में विकास देखा चाहते रहन। विकास देखा चाहते नहीं? अगर वर्तमान के हम विकास के बात करी तो वह कितना दिखाई देता कि विकास भइल बा? विकास हमने वो टाइम तो बहुत जितना सिवान में रोड बावे, गली गली में रोड बा, चाहे हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल रहे उनमें ओबरा बहुत अच्छा लागत रहे, हर लोग जाए चाहते सरकारी हॉस्पिटल में, डॉक्टर के भी फीस कुछ ज़्यादा ना रहे, गरीब अमीर सब कोई खातिर रहे, लेकिन ए बरा गरीब खातिर डॉक्टर नहीं कल सिवान में, पैसा वाला खातिर सिवान में डॉक्टर बढ़े बेरा, तो ये हमने के चाहते थे कि हिना साहब आवास और फिर से गरीब के भी जिए के वही तरह मौका मिले। अब की बार निर्दलीय आवत है, तीन बार आरजेडी के सीट से अनी हार भइल, अब की बार निर्दलीय आवत नहीं, तो एबरी के मुद्दा का रही कि एबरी हिना साहब जीत पा? एबरी मुद्दा विकास के मुद्दा रही, मुद्दा जो विकास भी मुद्दा रही और कोनो खास मुद्दा नहीं है। अच्छा, अक्सर हम बात करें कि जातीय जनगणना के अनुसार मुसलमान 18% बाटे, ठीक बा, कहा जाला कि मुसलमान के नेता बिहार में स्पेशली बहुत लोग बने के चाहेला, ओवैसी के भी पार्टी बाटे, फिर उसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी भी बानी, साहबुद्दीन साहब के भी नाम आवत रहे। अगर असल में बात करी तो 18% अगर अल्पसंख्यक के बात करी तो अल्पसंख्यक मुसलमान अपन नेता के क्या मानेला? लालू प्रसाद यादव के। लालू प्रसाद यादव के? जी, लालू प्रसाद मतलब यादव के मानेला। आ उ कैसे जानेला? अब तो जब तक सत्ता में तो हुआ यादव जी को आप लोग नेता मानते हैं, मैडम यहाँ चुनाव लड़ी गेला, निर्दलीय चुनाव लड़ल बानी, के कैंडिडेट भी कोई ना कोई यहाँ होगा, तो क्या लगता है इस बार कहाँ जाने वाले हैं? नहीं, हम लोग तो मैडम के साथ ही जाएंगे। फिर तो ये उनके साथ धोखा हो जाएगा राजद के साथ आप लोग। अब जब मैडम के साथ धोखा कर रहे तो हम क्या कर सकते? नहीं, हम तो मैडम के साथ जाएंगे। देखिए, ओम प्रकाश यादव जी निर्दलीय आवतनी जी, और सुनतनी कि जीवन यादव जी भी निर्दलीय आवतनी, आ बाद अवध बिहारी चौधरी, अवध बिहारी चौधरी चाचा एनडीए से चाहे अमरनाथ यादव, तो समीकरण कहीं बिगाड़ा ना रे? ना ना, समीकरण कहीं बिगाड़ ली, अभी देखो वक्त बा, अभी मैडम को हो सकता कहीं आरजेडी में जा, मैडम अभी कन्फर्म नहीं कि मैडम निर्दलीय लड़ी है, बात नहीं कि पार्टी से लड़ी है, ठीक बा, अगर पार्टी में जाती तो वो कोई बात नहीं, मैडम के साथ निर्दलीय बड़ी मैडम तो मैडम के साथ बनी सर, मतलब पूरा भरपूर बहुमत के साथ, मतलब मैडम के साथ बने। जी जी, वर्तमान के अगर विकास के बात करी मोदी जी और प्लस नीतीश कुमार के अभी शासन काल में कितना विकास दिखाई दे रहा है? ना, नीतीश कुमार के अच्छा विकास, बहुत अच्छा वो विकास के लिए बड़े, प्लस गठबंधन के अगर हम बात करें, अब मोदी प्लस गठबंधन तो ज़्यादा दिन ना भइल, अभी कुछ देखे के ना मिलल ऐसा, लेकिन पहले जो नीतीश कुमार जी कैले बनी अच्छा कैले बनी, बहुत बढ़िया कैले बनी। हाँ, अच्छा, साहबुद्दीन साहब के बाहुबली कहल जाओ कि वहाँ के तानाशाही रही, हत्या कर दी, लूट कराई, डकैती कराई, वहाँ मतलब बहुत लोग के नाम से कहल जाला कि मतलब कि वहाँ के दोसर छवि रहे, एक बारे में का राय बा, छवि बदलल बा कि अभी वहीं बाहुबली नाम सिद्ध बटे? ना देखिए, छवि जो बनावल गई बा, बाहुबली जो लोग
बहुबली का नाम दिल बा, ऐसे बहुबली वाला कोनो ऐसा बात नहीं है, ठीक बा। विकास पुरुष रहा है, अब विकास पुरुष नाम सुनकर जानल जाला, लेकिन लोग कुछ लोग चंद लोग ऐसा बा कि बहुबली तनाशाही ऐसा कोनो बात नहीं है। चाचा का विचार बा? विचार तो बहुत अच्छा बा है। केकरा पर? हिना साहब पर। हिना साहब, हाँ। तो सिवान के 3% हमारे बच्चे जो दूर पढ़ने के लिए जाते थे, बताइए कॉलेज में एडमिशन करा कर पढ़ने के लिए जाते, वो चीज़ सिवान में सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन बनाए, ये बताइए हमारे बच्चों लोग को फायदा है कि नहीं, आप ही बताइए। वर्तमान के भी सांसद जी कहे नहीं कि हम इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज बनवाइले बनी। वर्तमान के भी सांसद कविता सिंह भी कहे नहीं, मतलब कहे नहीं कि हम इंजीनियरिंग कॉलेज बना देले बनी। नहीं नहीं, ये मारवा में नहीं, ये तो हम लोग देखा भी नहीं, ये तो एमपी साहब बनाए रहे, सांसद साहबुद्दीन साहब बनाए हैं, कुछ कह सकता है, लेकिन ये जो कॉलेज बनवाए हैं सांसद मोहम्मद साहबुद्दीन साहब बनवाए हैं। अच्छा, अच्छा वही बनवाए हैं, वो कहाँ बनवाई है? हॉस्पिटल में देख रहे हैं। अच्छा, जमीनी स्तर पर जाके देख लो कि कहाँ बनवाइले बड़ी, सिवान में कहीं लौकत है कहीं नहीं खेल। अच्छा, मोदी के गारंटी चलता, मोदी के गारंटी का पर टिक पाई, मतलब टिक पाए बताएगा किसका गारंटी होगा, वो तो इलेक्शन मोदी के परिवार, मोदी के गारंटी कोई बात नहीं, उसे क्या है, मोदी चाचा के तो सभी है, वो तो पूरा हिंदुस्तान है मोदी चाचा के, और क्या, मोदी चाचा के तो सब है भाई, हाँ। पूरा हिंदुस्तान उसी का है मोदी चाचा के, एक बार उहे का सरकार होता है। अब चोरी करना है तो को चोर तो कभी आगे रहे, चोर हाँ, चोर तो कैसे, चोर चोर तो कभी आगे रख सकते, एलियन चोरा लेगा, छपवा लेगा, तो क्या है सब, दो नंबर काम काला आदमी तो कभी आगे रहता है, कभी भी रहेगा, जहाँ 500 मुस्लिम का वोट है वहाँ वहाँ 50 गो दिखाई देता है, अरे तो कहाँ गया वोट, सब चाचा में गया, सरचार से कहाँ गया, तब मोदी से जीतेगा, हम 2 करोड़ नौकरी दे दिए, एक नौकरी नहीं दिया है, हमने बताइए 4 साल मिलिट्री मैन के 4 साल का नौकरी है कोई, सब प्राइवेट कर दिया, सब नहस्तस कर दिया, सब बिक्री कर दिया, क्या किया है बताइए, कंपनी बंद हो गई, बंद हो गई, जीएसटी लगा गेल, गेल, सेल, सब बंद, सब बंद। हमारे बच्चे लोग आज मजदूरी कर रहे हैं, टोकरी धो रहे हैं, बताइए जो बड़ा बड़ा कंपनी में खट रहे थे, अब मजदूरी काम भी नहीं मिल रहा है, काम भी नहीं नहीं मिल रहा है, बताइए हम तरक्की कराए हैं, बस मोदी जी को यही है कि दूसरे देश में जाइए और खूब घूमिए। अब की बार 400 के पार कहते नहीं मोदी जी, बहुत अच्छा है, अब की बार 400 के पार, तो जिसके हाथ में डोई उसके हाथ में सब कोई, अच्छा जिसके हाथ में लाठी उसके हाथ में भैंस, अच्छा जो बजा लीजिए, अब हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे, तो विजय लक्ष्मी जी भी आवता नहीं वहाँ का पार्टी से, बहुत अच्छा है, लोहर टिक पाई अभी तो एकदम टिक पाई, मतलब हिना साहब टिक पाए एकदम टिक पाई, दो मैदान में पहलवान लड़ता है तो जीतता है कि हारता है, सिवान में रोलो, हाँ सेंट्रल से मतलब नहीं, हाँ, हाँ। सेंट्रल में केहू आवे या मोदी जी आवे कोई भी है, सेंट्रल से मतलब नहीं, हमने के सिवान से मतलब, मैं 3% सिवान के फिक्स बाकी हिना साहब के, सिवान में हमने के हिना साहब के देखे चाहते नहीं सुन, अच्छा रवा हिना साहब के लिए विकास देखना चाहते हैं, फैन से विकास हो, बोलो ऐसे विकास हुआ है, विकास फैन से देखना चाहते हैं कि विकास एक बार हुआ था फैन हुआ है, फैन देखना चाहते हैं कि डॉक्टर लोग का फीस कम हो को, अच्छा तेजस्वी यादव जी का विचार बा, वहाँ का तो 2-2 लाख नौकरी देनी है, वहाँ पर का विचार बा, वो सब झूठ बोल रहा है, कोई नहीं झूठ, वो तो क्रेडिट से चले थे नहीं कि हमने 17 महीने में जो किया वो 17 साल में वो कुछ नहीं किया, तेजस्वी पर जाए के चाहिए क्रेडिट, सही बात बा, तेजस्वी पर जाए के चाहिए, ऐसे की तेजस्वी जब रहा है तब नौकरी भइला, अच्छा ओकरा बाद तो ना भइला अभी, अच्छा ओकर पहिले ना भइल, मोदी जीवन में होता नहीं, का भइल बा आयुष्मान कार्ड से का मिले, 10 बरस पहले आयुष्मान कार्ड रहला तो का मिलल, केहू के बुखारो के एगो गोटी मिलता है ऊपर, अच्छा नहीं खा मिलत कहाँ मिलत, 10 बरस पहले रहला तो कहाँ केहू के एगो बुखार के गोटी मिलता है, ए चाचा एम आई समीकरण चली ना, ये तो मुश्किल है, ये तो नहीं चले, ना चले, जादू जी लोग बताइए, सुनिए एक हमारा बात सुनिए, आयुष्मान बन रहा है, क्या बोलता है जी,
वो आयुष्मान कार्ड बन रहा है अभी, बताए एक दो गोटी नहीं मिला है, अब बोल रहे हैं कि पाँच लाख खाता पर आएगा। इसके पहले मोदी जी बोले थे, मोदी जी इसके पहले बोले हुए थे। अच्छा, जो 2 करोड़ रोजगार की, 15 लाख मुद्दा की, सब हो जाएगा। ठीक बात, इलेक्शन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, यहाँ तक की सब केहू के मिलल मिलल अरे जब सत्ता में कुछ तो करेंगे, कुछ कर देखे करिए, उनका फर्ज उनका कर्तव्य बा, अपन कर्तव्य कैले बड़े। लेकिन सेंट्रल में कोई भी आवे, सेंट्रल हमने के कोई लेना देना नहीं, हमने के बस अपना सेंट्रल से मतलब नहीं है, हम लोग को हिना साहब से मतलब, अपना घर से मतलब है। सेंट्रल से कोई आवे, कोई जीते, कोई हारे, उसे सेंट्रल में कोई। जब हमारे भाई साहब ये बोले कि का बोला जाता है वो एटीएम की दुकान, एटीएम। अच्छा, ओम प्रकाश यादव जी कहे नहीं कि 2009 का वक्त था जो लोग बाहर निकलने से डरते थे, एक आतंक चलता था वहाँ पर, लोग बोलने से डरते थे, तो ई बात के रोक कैसे देखे के चाहते? ना ये सब भड़काऊ बात है, ये सब भड़काऊ। पहले भी हमने आके आतंक को खत्म किया, हमने निर्दलीय आके उस चीज को बंद किया। नहीं नहीं, वो तो आए तो विकास ही बंद कर दिए। अच्छा, अपने जब ओम प्रकाश जी आए तो विकास ही बंद कर दिए। कहाँ ढाला पे बनवा दिए पुल? 5 साल रहे तो बोले ना कि हम ढाला पर पुल बनवा देंगे। 15 साल में यहाँ बनवा क्या किया आतने जीवन या तो पहले जीते से पहले कह लेंगे सिवान से, सिवान गोरखपुर नाली में जाता महकता, पूरा कचरा भरल बा सिवान में, आ बत्ती बरसात के दिन में गैला के बाद इतना पानी लगता है, जीवन कहाँ बढ़ सही से के पास में। जब वोट है तो बन जाएगा, वोट के बाद कुछ नहीं, कोई देखने ही नहीं आता है। 15 साल हो गया ओम प्रकाश, लेकिन लोग के मत रहा, लोग के राय रहा, मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहनी है और साफ तौर पर वह जहाँ देख सकता नहीं कि लोग अपन ओपिनियन दिला सा, राय दिला सा, कैसा लागल कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और वीडियो को शेयर करें।